सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि एडमिशंस जो है 2022-23 के लिए वह जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, उसके अनुसार ही आज का वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने 12वीं क्लास में अभी अभी एडमिशन लिया था 2021-22 के लिए और आप सफल भी हो चुके हैं, 12वीं साइंस आप सफल हो चुके हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो बेहद ही अहम है। बिकॉज डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वह स्टार्ट हो चुके हैं 2022-23 के लिए। अब आपको किस प्रकार से डी फार्मेसी एडमिशन 2022-23 करना है, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए भरना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपने अब तक hindimeinpadhe.com की फार्मेसी ऑनलाइन एडमिशन की इस पोस्ट को नहीं देखा है तो आपको यह पोस्ट को देखना चाहिए, बिकॉज आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। डी फार्मेसी एडमिशन 2022-23 की डेट्स क्या है, कैपराउड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है डिप्लोमा इन फार्मेसी एडमिशन 2022-23 के लिए। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी है, डायरेक्टली आप वहां से यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आपको कैसे रजिस्टर करना है ऑनलाइन एडमिशन डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 2022-23 के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यह भी देखने को मिलेगा कि डीटीई का जो डी फार्मेसी कैपराउंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा 2022-23 के लिए वह किस प्रकार से चलेगा। फर्स्ट ईयर पोस्ट एचएससी डिप्लोमा टेक्निकल कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, बाकी इसमें सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी और होटल मैनेजमेंट का भी रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब तीनों कोर्सेज के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डी फार्मेसी का कैसे करना है, आप नीचे और स्क्रॉल करते जाएंगे, डी फार्मेसी क्या है, फार्मेसी ऑनलाइन क्या है, इस प्रकार की जो भी डिटेल्स है आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो भी लिंक है, एडमिशन प्रोसेस की जो भी रजिस्ट्रेशन की लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वह भी देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन और जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए उसके यहाँ पर आपको बताते हैं। 9 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट dt.maharashtra.gov.in की वेबसाइट पर होती है। आप डायरेक्टली इस पेज पर जा सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन का डिप्लोमा इन फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फर्स्ट ईयर पोस्ट एचएससी डिप्लोमा टेक्निकल कोर्सेज इन फार्मेसी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 22-23 का, आप यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके वह कर सकते हैं। यहाँ पे 9 जून से आपको 8 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और इसी समय में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई करना होता है। दो आप फिजिकल भी कर सकते हैं और स्क्रूटिनी आपकी डायरेक्टली ई स्क्रूटिनी से भी हो सकता है। ध्यान रहे आप दो मोड में यह कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप एफसी पर जाकर यह कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑफलाइन का ही चुनाव करना बेहद ही अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको जल्दी पता चलता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है या नहीं, या फिर कोई क्वेरी आपको आई है। अब यह डिटेल्स जो 8 जुलाई 2022 को ख़त्म होगी उसके बाद में ही आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वह रिलीज किया जाता है 8 जुलाई 2022 के बाद। आपको 11 जुलाई 2022 को फार्मेसी की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डी फार्म के लिए देखने को मिलेगी। ग्रीवियंस आप कर सकते हैं 12 से 14 जुलाई 2022 तक और फाइनल मेरिट लिस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-23 15 जुलाई 2022 को रिलीज की जाएगी। इसके बाद जो भी आपके प्रोविजनल सीट्स होंगे सीट मैट्रिक्स के और जो भी आपके कैप राउंड एडमिशंस के राउंड शुरू होंगे, फर्स्ट सेकंड जो भी होंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, उसकी शुरुआत भी होगी नेक्स्ट अगले अपडेट में। तब तक के लिए आपको रुकना होगा, उससे पहले आपका जो भी वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना होगा। जल्दी इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बारे में स्पेशल इसकी जो भी नोटिफिकेशन है आएगी। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। ध्यान रहे एचएससी के मार्कशीट यानी कि एचएससी की जो आपकी मार्क लिस्ट है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर नेम लिखना है। आपकी अभी तक 12वीं की मार्कशीट नहीं आई है तो आप अपनी ऑनलाइन मार्कशीट को निकालें और वहाँ से आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। ध्यान रहे यदि आपके पास आपकी 12वीं की मार्कशीट अभी अवेलेबल नहीं है तो आपको
17 जून 2022 को आपकी मार्कशीट अपने कॉलेज में मिल जाएगी। आप दोपहर के बाद इसे लेने जाने जा सकते हैं। 17 जून 2022 को आपकी मार्कशीट जो भी है आपको मिल जाएगी। अगर आप 17 जून को नहीं जा पाते हैं तो आप 18 जून को जाकर यह ले सकते हैं 12वीं के मार्कशीट को, और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप आजकल कर सकते हैं, उसके लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप आधार जो भी है इनकम डिटेल्स वह डालिए, यहाँ पे एड्रेस डालिए, स्टेट जो भी है तालुका विलेज है आप यहाँ पर डालिए, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पर आप सही से एंटर कीजिए। उसके बाद में आप कोई भी यहाँ पे पासवर्ड लिखिए और सिक्योरिटी पिन डालकर 7 प्रोसेस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा यह HSC का डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद OTP डालने के बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी 2022-23 का कंप्लीट हो जाएगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स वहां पर भर सकते हैं लॉगिन करके। और लॉगिन आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन आपने आपको जो भी आईडी होगा आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन आईडी वह आपको ईमेल में और आपके मोबाइल पर आ जाएगा, और पासवर्ड आप यहाँ से बना लोगे। वह पासवर्ड और आईडी आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करके एंटर करने हैं। यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आपको डालना है जो हमने रजिस्ट्रेशन आईडी बताया है, और पासवर्ड जो आपने बनाया है यहाँ पे आपको डालना है, और साइन इन पर क्लिक करना है। आपको फिर से मोबाइल पर OTP आएगा, और मोबाइल पर OTP आने के बाद में उसे एंटर करके साइन इन करके उसे वेरीफाई करना है। आपका लॉगिन हो जाएगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स और जो भी बाकी डिटेल्स है भरनी है। उसके बाद उसके प्रिंटआउट निकाल के नज़दीकी FC पर जाना है, या फिर इस रूटीनी का ऑप्शन लेकर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का ऑनलाइन फार्मेसी एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2022-23 कैसे करना है यह पसंद आया होगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी एडमिशन 2022-23 के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, तो यहाँ पर वह भी दिया गया है। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ लीजिए, सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको उसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी एडमिशन अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।